हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मलाई चाप। बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मैंने चाप ले ली है। पहले मैं ओनियन को कट कर लेती हूँ। ओनियन कट हो गई है। मैं एक पैन लूँगी और उसमें ओनियन ऐड करूँगी और 10 से 15 काजू ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा पानी डालकर मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। इधर मैं चाप की स्टिक को निकाल लेती हूँ और चाप को मैं कट करूँगी। चाप कट हो गई है। एक मैं फ्राई पैन लूँगी और उसमें ऑयल ऐड करूँगी। मैं इसको सैलो फ्राई कर रही हूँ। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकती हैं। सभी चाप को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। चाप को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। इधर जो मैंने काजू और ओनियन को बॉईल होने के लिए रखा था, ये बॉईल हो गई है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। चाप को मैं पलट दूंगी। चाप दोनों साइड से अच्छे से सीख गई है। इधर मैं काजू और ओनियन को एक स्टेनर में निकाल लेती हूँ। इसके पानी को मैं अभी यूज नहीं करूँगी, इसको मैं बाद में यूज करूँगी। मैंने एक जार ले लिया है, उसमें काजू और ओनियन को ऐड कर देती हूँ। ये मैंने दो हरी इलायची ली है, एक काली इलायची और 5 काली मिर्च का यूज कर रही हूँ। इन सभी को मैं पीस लेती हूँ। चाप अच्छे से फ्राई हो गई है, मैं उसको बाहर निकाल लेती हूँ। पैन में थोड़ा तेल डाल लिया है, तो इसमें मैं डालूंगी जीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का एक टुकड़ा और तेजपत्ता। ये सभी को पैन में ऐड कर देती हूँ। थोड़ा हींग, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो ग्रेवी तैयार की थी उसको ऐड कर दूंगी। जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसको ऐड कर दूंगी। ग्रीन चिली को मैंने चॉप कर लिया, उसको ऐड कर लूंगी। तो ग्रेवी को मैं अच्छे से भूनूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी दही। दही को भी अच्छे से भून लूंगी। थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ी मलाई ऐड कर रही हूँ। इन सभी को अच्छे से भूनूंगी। सॉल्ट, मैं इसमें चाप को ऐड कर देती हूँ। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और जो ओनियन वाला पानी रखा था उसको ऐड करूँगी और थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। फिर मैं इसको ढक के अब 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊँगी। इसको मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि लगे ना। फिर मैं इसको ढक देती हूँ और 5 मिनट के लिए पकने देती हूँ। ये बनके तैयार है। मैं इसमें कोरिएंडर ऐड कर दूँगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।